ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन सेल्सफोर्स, ठीक है, जो है हमारा बैच एपेक्स। ठीक है, अब हमने जो असिंक्रोनस एपेक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था द बिगिनिंग, ठीक है, उसी का ही ये पार्ट है बैच एपेक्स, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था फ्यूचर मेथड, देन हमने पढ़ा क्यूएबल, अब ये थर्ड पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज बैच एपेक्स। ओके, अब बैच एपेक्स के नाम से ही देखो, कोई भी चीज का नाम उसी के लिए रखा जाता है ताकि उसके प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जाए, राइट। तो अभी इसके नाम से ही हम इसको जानने का पहले ट्राई करेंगे कि बैच एपेक्स नाम क्या है और क्यों है। देखो, बैच बैच का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को बैचेस में रन करना या डिवाइड करना या कुछ भी, ठीक है, जो भी होगा सब कुछ बैच बैच के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो बैच अपेक्स क्या है? बैच अपेक्स इज अ पार्ट ऑफ असिंक्रोनस प्रोसेस, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ असिंक्रोनस प्रोसेस, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? बैच अपेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ असिंक्रोनस प्रोसेस इन एपेक्स। ओके, अब ये बना है तो इसका यूज क्या है, ठीक है? इट इज यूज्ड टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ डेटा, से बेटर रिकॉर्ड्स, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रोसेस जब भी करना हो हम उसको यहाँ पे बैचेस में प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आप कैसे करेंगे वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सो पहले लाइंस को कवर कर लेते हैं। इट इज यूज्ड टू प्रोसेस द लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपसर्ट कर सकते हो, एनीथिंग। ओके, ये सारी चीजें करने के लिए आप बैच एपेक्स का यूज कर सकते हो। एज इट इज एन असिंक्रोनस प्रोसेस, इट विल रन व्हेनेवर रिसोर्सेस गेट्स अवेलेबल, ठीक है। जहां जहां पे असिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे देखो जो रनिंग की प्रोसेस होती है वो भी असिंक्रोनस होती है, मतलब जब उसको रिसोर्सेस मिलते हैं उसी समय वो क्या होता है, रन होता है। ओके, चलो अब समझते हैं बैच अपेक्स को। देखो, सबसे पहले इस बैच वर्ड को कवर करेंगे हम लोग, राइट। देखो, मेरे पास अगर एक एक छोटा सा डोर है यहाँ पे, ठीक है, ये एक छोटा सा डोर है और यहाँ पे मेरे पास अराउंड बहुत सारे यहाँ पे 1,000 लोग हैं, राइट। कितने? 1,000, 1, 2, 3, 4, ये ऐसे टोटल लेके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1,000 लोग मेरे पास है। अब मुझे अगर इस डोवर के थ्रू उनको पास करवाना है, ठीक है, तो वो यहाँ से पास तो हो जाएंगे 1,000 क्यों, 1 लाख भी लोग पास हो सकते हैं, 1 करोड़ भी लोग पास हो सकते हैं, राइट, बराबर। बट जब लोग यहाँ से पास होंगे तब हमको एक चीज का ध्यान रखना है, हमको जिस चीज का ध्यान रखना है वो है थिकनेस ऑफ दिस डोर, ठीक है, कि ये दरवाजा जो है वो कितने लोगों को एट ए टाइम अलाउ कर सकता है, राइट, इस चीज बराबर। हमारा हर दरवाजा देखो, हम जैसे हमारे घर के नॉर्मल दरवाजे 3 फुट या 4 फुट के होते हैं, राइट। अब उसमें से दिन भर में 1,000 लोग आना जाना कर सकते हैं, बट एट ए टाइम जाएंगे क्या? नहीं। तो एट ए टाइम उसमें से 2 लोग या 3 लोग एट ए टाइम जा सकते हैं, करेक्ट। तो ये 1,000 लोगों को अगर मुझे इधर पास करवाना है तो ये दरवाजे से जाएंगे तो सही, 1,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कितने भी चले जाएंगे, बट जब वो जा रहे हैं तब उस समय उनकी लिमिट, उसको भी डिसाइड करना जरूरी होता है। अब वो क्यों जा रहे हैं, वो किसी भी रीजन के लिए जा सकते हैं, जैसे हम किसी को अपने घर में लेके जा रहे हैं तो किसी भी रीजन के लिए जा सकते हैं, लाइक मीटिंग हो, ठीक है, टाइम पास करने के लिए लेके जा रहे हो, टीवी देखने के लिए लेके जा रहे हो, अदर स्टफ कोई भी करने के लिए लेके जा रहे हो, ठीक है, या कोई ऑफिस में, ये सेम चीज ऑफिस के लिए भी लागू होती है,
ठीक है, किसी भी रीजन के लिए आप लोगों को अपने साथ लेके जा सकते हो। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हुआ, हमारी टर्म्स में इसको बोलेंगे सेल्स फोर्स का ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हम लोग डेटा को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट अपडेट या डिलीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंसर्ट अपडेट या डिलीट, ओके, डीएमएल कर रहे हैं। किसके ऊपर कर रहे हैं, लोगों के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे लोग मतलब क्या, हमारे टर्म्स में यहाँ पे आगे सेल्स फोर्स के रिकॉर्ड्स, ठीक है, सेल्स फोर्स के आगे रिकॉर्ड्स नाउ। और ये क्या है, ये है वो एंट्री क्राइटेरिया जिसके थ्रू वो रिकॉर्ड्स पास होंगे, राइट। ये है वो एंट्री क्राइटेरिया जिसके थ्रू वो रिकॉर्ड्स पास होंगे, एंट्री क्राइटेरिया बोलो या इसको कुछ भी बोलो, ठीक है, जनरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। तो बैच एपेक्स क्या करता है, आपके ये जो रिकॉर्ड्स है, अब यहाँ पे 1,000 हो सकते, 1,00,000 हो सकते, कितनी भी हो सकते, राइट। अब ये अगर जैसे देखो ना, छोटा सा अगर दरवाजा है, अगर छोटा सा दरवाजा है तो उसके अंदर अगर एक साथ लाखों लोग घुसेंगे तो क्या वो जा पाएंगे, क्या नहीं जा सकते, क्यों, वहीं पे स्टक हो जाएंगे सारे के सारे, राइट। उसमें क्या हो सकता है, दो चार लोग अंदर चले जाएंगे, बाकी के लोग फेल हो जाएंगे, राइट। और अगर कोई फेल हो गया तो उसकी वजह से और उसके पीछे के लोग फेल हो जाएंगे, राइट। तो इसमें क्या होगा, लिमिट हिट होगी दरवाजे की, कि एक साथ लाखों लोग यहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत चीज है, राइट। तो सेल्सफोर्स क्या करता है, हमको मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर एट ए टाइम डीएमएल करने का अलाउ करता है, ठीक है, बट कैसे, बाय यूजिंग बैच एपेक्स। क्यों, देखो अगर सपोज करो मेरे ऑर्ग में 10,000 रिकॉर्ड्स है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, सबको अपडेट करना है कि महीने की 1 तारीख के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे रिकॉर्ड्स की डेट चेंज हो जाए। कौन सी डेट चेंज हो जाए, डेट ऑफ डिलीवरी या फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या कोई भी एक डेट चेंज हो जाए, ठीक है, तो या फिर कोई भी दूसरी फील्ड चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूंगा उसके ऊपर, मैं मैन्युअली जाके इंसर्ट करूंगा क्या, नहीं, मैन्युअली जाके अपडेट करूंगा क्या, डिलीट करूंगा क्या, नहीं। तो मुझे ऐसे समय में क्या करना पड़ेगा, एक बैच रन करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये जो मुझे टास्क करना है कि हर महीने की 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को या 10 तारीख को या 5 तारीख को, जो भी आपकी तारीख डिसाइड, उस दिन ऑटोमेटिकली विदाउट एनी क्लिक ऑटोमेटिकली एक बैच चलेगी, ठीक है। बैच इफेक्ट्स का कंसेप्ट ये होता है कि ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली रन होता है, इसको स्केड्यूल करना पड़ता है। स्केड्यूल कैसे करना पड़ता है, वो हमारा आने वाला टॉपिक है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी के लिए सिर्फ वर्ड को ध्यान में रखो, ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले कॉल वीडियो में वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं आपको बोला कि अगर मुझे हर महीने की 1 तारीख को या 5 तारीख को मुझे किसी फील्ड को अपडेट करना है, जैसे डेट चेंज करनी, डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, ऐसी मेरे पास फील्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि हर महीने की 1 तारीख को डेट चेंज हो जाए, प्लस 10 डेज हो गए, ठीक है, कि डेट ऑफ डिलीवरी 10 तारीख, डेट ऑफ डिलीवरी 10 तारीख। तो उस केस में, या फिर इससे भी बेटर एग्जाम्पल देखो, इससे भी इजी और बेटर एग्जाम्पल देखो, आप लोग लोन निकालते हो, राइट। तो लोन निकालने के लिए आपके महीने से हर महीने 5 तारीख या 10 तारीख को एक क्या होता है, अमाउंट डिडक्ट होता है, राइट। अब वहां पे कोई आदमी बैठा है कि डिडक्ट करने के लिए, नहीं, या फिर पूरी दुनिया में आप ऐसे एक में हो आदमी हो क्या जिसका 5 तारीख को डिडक्ट हो रहा है और आपके बाजू वाले का 6 को हो रहा है, नहीं। तो ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल है जिसका एक बैंक से या मल्टीपल बैंक से एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर डिडक्शन हो रहा है अमाउंट का, राइट। अब वो अमाउंट का डिडक्शन करने के लिए वहां पे कोई बैठा है क्या, नहीं। तो अब वो डिडक्शन कैसे हो रहा है, तो देखो उन लोगों ने क्या करके रखा है, वहां पे एक टाइमर सेट करके रखा है कि 5 तारीख के क्यू में उन्होंने उन सारे यूजर्स को डाल के रखा है जिनका 5 तारीख को ये पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए, राइट। तो उस तरीके से उन्होंने वहां पे सेट करके रखा है, एक तारीख सेट करके रखी, फिर 6 तारीख के अलग, 7 तारीख के अलग, 8 तारीख के अलग, 9 तारीख के अलग, 10 तारीख के अलग, इस वजह से, ठीक है। तो ये प्रोसेस एक पर्टिकुलर डेट पे होनी चाहिए, जिस तरह से मैंने बोला कि मेरी फील्ड अपडेट होनी चाहिए, या मेरे हर महीने की 1 तारीख को जितने भी मेरे महीने भर के रिकॉर्ड्स है, या हर महीने की 1 तारीख को उससे 10 महीने पहले के जितने भी रिकॉर्ड्स है सब डिलीट हो जाने चाहिए,
ठीक है, या सब अपडेट होने चाहिए, या उसके साथ कुछ नए रिकॉर्ड्स क्रिएट होने चाहिए, मतलब बैच में एक लॉन्ग रनिंग प्रोसेस होनी चाहिए। तो आप जो करंट वर्क कर रहे होते तो आप लॉन्ग रनिंग प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे 1 लाख रिकॉर्ड अपडेट हो रहे, या मेरे ऑर्ग में 1 लाख रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे या डिलीट हो रहे, तो मेरी जो करंट प्रोसेस है दैट दैट कैन बी इफेक्टेड। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये क्या करते हैं, नाइटली इम्पोर्ट्स वगैरह कर देते हैं, मतलब रात के समय बैच चला देते हैं। ठीक है, मतलब रात के समय वो अपडेट होना चालू हो जाता है, या फिर किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर वो बैच रन कर देते हैं, जिस दिन वो ऑटोमेटिकली अपडेट होना चालू करता है। राइट, तो अभी अगर 1000 लोग यहाँ पर है और उनको ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करने के लिए जाना है, तो उसके लिए हमारे पास जो ये गेट है ये एकदम छोटा सा है। राइट, अब इसके अंदर अगर जाना है तो एट ए टाइम इतने लोग नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लिमिट बना देंगे यहाँ पे। हम क्या बोलेंगे कि एट ए टाइम सिर्फ 3 लोग जाओ। राइट, तो क्या करेंगे वो, तीन 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 ऐसे कर करके जब तक 1000 पूरा नहीं हो जाता तब तक तीन तीन लोग यहाँ से पास करेगा, वो 3 लोगों के ऊपर प्रोसेस करेगा और सामने भेजेगा, फिर तीन भेजेगा, तीन प्रोसेस करेगा, सामने भेजेगा, फिर तीन भेजेगा, तीन प्रोसेस करेगा, तीन सामने भेजेगा। राइट, इसी तरीके से हम लोग पूरे 1000 लोगों का टारगेट फिनिश करेंगे। ओके, तो सेम चीज सेल्सफोर्स में कैसे करेंगे कि अगर यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड्स है तो बैच एपेक्स क्या करता है, 200 की इसकी बाय डिफॉल्ट लिमिट होती है कि एक बैच के अंदर 200 की इसकी बाय डिफॉल्ट लिमिट होती है। और टोटल बैचेस कितनी रन करता है, ये टोटल बैचेस कितनी रन करता है, इसकी टोटल बैचेस रन होती है रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, तो 1000 लोगों को अगर 200 200 की बैच पे भेजेंगे तो कितनी बैच रन होगी, मेरी टोटल 5 बैच रन होगी। ठीक है, इसको और थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं। ठीक देखो, अब मेरे पास जो रिकॉर्ड्स है दैट कैन बी मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास, ठीक है, हजारों रिकॉर्ड्स है। अब मुझे अगर इन 1000 रिकॉर्ड्स को अपने सेल्सफोर्स के अंदर अपडेट करना है, इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये बैच अपेक्स है, ये लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म होते हैं। ठीक है, छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए कोई बैच नहीं चलाते। ठीक है, बैच अपेक्स जो होता है ये होता है लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन, क्योंकि 1 लाख रिकॉर्ड, 1000 रिकॉर्ड, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स के लिए आप लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन, ठीक है, इसी के लिए आपकी बैच चलेगी। तो इसके लिए जब बैच चलेगी तो आपके बाकी के प्रोसेस इफेक्ट नहीं होने चाहिए। इसलिए ये क्या करता है, आपकी जो बैचेस में जो डेटा भेजेगा वो एक पर्टिकुलर बैच साइज के साथ भेजेगा। तो जो एट ए टाइम डेटा इस दरवाजे के थ्रू आपके ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर करेगा वो साइज रहेगा 200, मतलब एट ए टाइम बाय डिफॉल्ट 200 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसका मिनिमम साइज जो होता है डिफॉल्ट साइज होता है 200, और मैक्सिमम साइज 2000 भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करते हो। नाउ, अब जो बैच अपेक्स होता है वो 50 मिलियन रिकॉर्ड्स को सपोर्ट करता है, 50 मिलियन रिकॉर्ड्स दैट इज 5 करोड़। और अगर इसके ऊपर रिकॉर्ड गए तो आपकी बैच हो जाती है टर्मिनेट और फेल हो जाती है। राइट, तो अगर यहाँ से मैं, मेरे को 1 लाख रिकॉर्ड है जो मुझको महीने की 1 तारीख को डिलीट करने हैं, महीने की 1 तारीख को डिलीट करने हैं, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं पूरे के पूरे वो 1 लाख रिकॉर्ड को क्वेरी करूंगा। क्वेरी करने के बाद उसको बैच एपेक्स के थ्रू उसको बैचेस में डिवाइड करूंगा। राइट, तो कैसे डिवाइड होगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 200, तो कितना हो गया, कितनी बैचेस आ गई इसकी, 500। राइट, 500 बैचेस चलेगी। ठीक है, अब 500 बैचेस चलेगी तो 500 बैचेस वन बाय वन जाएगी, डेटा प्रोसेस करेगी, फिर रिटर्न आएगी, फिर जाएगी, फिर डेटा प्रोसेस करेगी, फिर रिटर्न आएगी, फिर जाएगी, फिर डेटा प्रोसेस करेगी,
फिर रिटर्न आई। अब अगर ये 200 का बैच साइज रहा तो अगर यही पे 2000 का बैच साइज रहा तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 50, ठीक है, तो 50 बैचेस चलेगी, करेक्ट। तो समझा कि लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन हमको जब भी परफॉर्म करने पड़ते हैं, लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन इन द सेंस कि आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स के ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट अगर करना है तो आप उसको बैच एपेक्स के थ्रू रन करते हो। बैच एपेक्स रन कैसे होता है, ये स्केड्यूल्ड टाइम के ऊपर रन होता है। इसको स्केड्यूल्ड करने के लिए भी दो तरीके हैं जो भी हम आगे चल के सीखने वाले, ठीक है। तो बैच एपेक्स का कॉन्सेप्ट यही होता है कि पहले आप रिकॉर्ड्स लेके आओ, उसको बैच में डिवाइड करो, उसके ऊपर प्रोसेस करो एंड देन बैच को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ये होते हैं इसके तीन मेन स्टेप्स, ओके। ओके, तो चलो अभी इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। प्रैक्टिकली समझने के पहले कुछ एक क्राइटेरिया ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा ये होटल ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर सिर्फ चार ही रिकॉर्ड है। एक काम कर लेता हूँ मैं, कुछ पहले रिकॉर्ड्स बना लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर लॉजिक परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने क्या किया है, कुछ मेरे पास रिकॉर्ड्स, मैंने 3000 के आसपास, 3,500 के आसपास मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड्स अभी इंसर्ट किया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो गए, तो अभी मैं किसी स्पेसिफिक डेट पे मुझको इसको रन नहीं करवाना है, ठीक है। अब मैं पहले बैच अपेक्स से ही आपको समझूंगा कि ये किस तरीके से बैच क्लास लिखा जाता है, उसका यूज क्या है और दे एंड देन उसको फिर रन करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो बैच अपेक्स जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग रनिंग प्रोसेस, लॉन्ग रनिंग प्रोसेस मतलब क्या, जिसमें रिकॉर्ड ज्यादा होंगे उसमें प्रोसेस ऑब्वियसली लॉन्ग होंगी, ठीक है। तो वो लॉन्ग रनिंग प्रोसेस फेल नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो जो डेटा होता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो आपको चंक्स में डिवाइड होता है, मतलब बैचेस में डिवाइड होता है, राइट। जैसे एक छोटे से दरवाजे के अंदर अगर एक साथ हजारों लोग घुसेंगे तो दरवाजा टूट जाएगा, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दरवाजे के अंदर लोग कम कम लोगों को भेजते हैं, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमको कम रिकॉर्ड्स को मतलब बैचेस में डिवाइड करके भेजना है रिकॉर्ड्स। जैसे यहाँ पे अभी 4000 के आसपास रिकॉर्ड है, तो 4000 अगर रिकॉर्ड है तो डिवाइडेड बाय 200 करोगे तो कितने बैचेस आएंगे, 20 बैचेस आएंगे, राइट। तो चलो अब पहले बैच क्लास लिखते हैं और फिर उसको समझेंगे। अब बैच क्लास लिखने के लिए, बैच क्लास क्या होता है, बैच क्लास भी आपके नॉर्मल क्लास की तरह ही आपका एक क्लास होता है, ठीक है। सिर्फ उसमें जिस तरीके से हमने फ्यूचर मेथड को डिफाइन किया था, देन उसमें हमने क्यूएबल को किया था इंटरफेस ऐड करके, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमको कुछ ऐड करके ही हम लोग बैच क्लास लिख सकते हैं, ठीक है। वरना नॉर्मल क्लास और बैच क्लास में डिफरेंस क्या है, क्लास का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसके जो हम इंटरफेस यूज करते हैं उसका डिफरेंस है, राइट। अब देखो बैच क्लास लिखेंगे कैसे, अब कोई भी क्लास का नाम दे दो नॉर्मल, यहाँ पे लिखते बैच एपेक्स डेमो। तो अभी ये जो क्लास बना है ये हमारे नॉर्मल क्लास जैसा ही एक क्लास है, राइट। बट मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे जैसे हमने क्यूएबल में इंप्लीमेंट किया था एक इंटरफेस को, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट्स डेटाबेस डॉट बैचेबल। अब देखो डेटाबेस डॉट बैचेबल, इसके अंदर डेटाबेस डॉट बैचेबल भी है, कॉन्टेक्स्ट भी है और कॉन्टेक्स्ट इंप्लीमेंट भी है। तो हमको यहाँ पे अभी यूज करना है डेटाबेस डॉट बैचेबल। अब ये डेटाबेस डॉट बैचेबल के अंदर हमको पास करने पड़ते हैं एस ऑब्जेक्ट एस ए, ओके। अब ये बन गया हमारा बैच क्लास। लेकिन जिस तरीके से क्यूएबल में एक मेथड कंपलसरी होती है एग्जीक्यूट, राइट, उसके सिवा वो एरर देता है, सेम वे यहाँ पे भी कुछ मेथड्स होती है जो कंपलसरी। देखो अभी एरर गया कि हमारा नहीं गया, चलो एरर देख लो। यहाँ पे देखो तीन एरर है, कौन से लाइन नंबर वन के ऊपर ही तीनों एरर है। पहला बोल रहा है कि सिस्टम डॉट इटरेबल डेटाबेस डॉट बैच स्टार्ट एग्जीक्यूट एंड फिनिश, ओके। तो देखो यहाँ पे अभी समझते हैं जो आपका फॉर्मेट होगा वो क्या होता है, क्लास का फॉर्मेट कि आपका जो बैच क्लास होगा, आपका जो बैच क्लास होगा
उसके अंदर तीन कंपलसरी मेथड चाहिए, ठीक है। पहली मेथड रहेगी आपकी स्टार्ट मेथड, ठीक है। पहली मेथड रहेगी आपकी स्टार्ट मेथड, देन आपकी एग्जीक्यूट मेथड, एंड देन रहेगी आपकी फिनिश मेथड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार्ट एग्जीक्यूट एंड फिनिश। अब ये तीनों मेथड का काम समझो, तभी फिर इसको यूज करने में हमको कुछ फायदा रहेगा। स्टार्ट एग्जीक्यूट एंड फिनिश। देखो ये जो तीन मेथड है ये कंपलसरी मेथड, ठीक है, ये आपको लिखना ही लिखना है जब जब आपको बैच क्लास का यूज करोगे तब, ठीक है। तो ये जो पहली मेथड होती है इसका यूज क्या है, पहली मेथड का काम है रिकॉर्ड्स लेके आओ, मतलब रिकॉर्ड को गेट करो। जैसे आपको 1,000 रिकॉर्ड पे या चार, जैसे हमने भी 4,000 रिकॉर्ड बनाए, 3,000 रिकॉर्ड बनाए होटल के ऊपर, राइट। तो अगर मुझे उनको डिलीट करना है, अपडेट करना है, या इस उसके थ्रू किसी उस दूसरे रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे लाना पड़ेगा, राइट। तो ये स्टार्ट मेथड क्या करता है, रिकॉर्ड्स को क्वेरी करने का काम करता है, ठीक है। क्वेरी करता है रिकॉर्ड्स को, मतलब क्वेरी बोलो या इसको गेट बोलो, व्हाटएवर, ठीक है। गेट करता है, गेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। देन यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स गेट होते हैं वो एग्जीक्यूट मेथड को पास किए जाते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। सो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग रिकॉर्ड्स आर पास्ड टू दिस मेथड। अब कैसे पास किए जाते हैं वो हम सिंटेक्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो जो भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे आएंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे पास होते, बट पास कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे गेट रिकॉर्ड से सपोज करो 1,000 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए, ठीक है। गेट रिकॉर्ड से यहाँ पे तो 1,000 रिकॉर्ड आ गए, बट क्या यहाँ पे एट ए टाइम 1,000 रिकॉर्ड एट ए टाइम पास करेगा कि इस एग्जीक्यूट मेथड को, नहीं, ये करेगा उसको बैचेस में डिवाइड करके। तो 1,000 डिवाइडेड बाय 200, तो 200, 200 की 5 बैचेस यहाँ पे जनरेट होगी, ठीक है। तो वह वन बाय वन सारे डेटा को लाएगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, और जब पूरा का पूरा सारे बैचेस यहाँ पे रन हो जाएंगे, ठीक है, पांचों के पांचों, देन इट विल कम टू दिस फिनिश मेथड। अब ये फिनिश मेथड क्या होता है, फिनिश मेथड होता है आपके पोस्ट कमिट लॉजिक को एग्जीक्यूट करने, पोस्ट कमिट लॉजिक, मतलब देखो जैसे आपका पूरा काम होने के बाद आप सामने वाले को बताने जाते हो कि यार आपका पूरा काम हो गया, ठीक है, उसको मैसेज करते हो, काम होते के होते समय करते होते क्या कि इतना हुआ उतना हुआ, नहीं, हम क्या करते हैं, हमको जो पहले काम मिला उसको दिन भर के 8 घंटे में 10 घंटे में पहले पूरा खत्म कर लेते, और फिर पूरा काम खत्म होने के बाद सामने वाले को इन्फॉर्म करते कि आपका काम हो गया, या फिर उसने बोल दिया कि काम खत्म होने के बाद ये कर लेना या वो कर लेना, तो हम लोग वो काम करते, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे फिनिश मेथड में पोस्ट कमिट लॉजिक लिखा जाता है। लाइक अगर किसी को कंफर्मेशन मेल भेजना हो, या कोई फील्ड को, या किसी की वैल्यू कुछ करना हो, कुछ भी, आप यहाँ पे पोस्ट कमिट लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल होता है मेल वगैरह भेजना, ठीक है, मेल भेजना, नोटिफिकेशन भेजना, व्हाटएवर, ओके। तो ये होती है तीन बेसिक स्टेप्स, इसके सिवा आपकी स्टार्ट मेथड नहीं चलेगी, ठीक है। अब ये मेथड को हमको लिखना पड़ेगा, मेथड कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखो, पब्लिक पब्लिक डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर, डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर स्टार्ट, यहाँ पे वॉइड नहीं आएगा, ठीक है। पब्लिक डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर स्टार्ट, तो इसके अंदर जो पैरामीटर रहेगा वो रहेगा डेटाबेस, ये आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट बी एक्स, वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हो। फिर आपकी सेकंड मेथड रहेगी पब्लिक, उसके बाद वॉइड एग्जीक्यूट, ठीक है। जिस तरीके से आपका जो क्यूएवल में हमने एग्जीक्यूट मेथड लिखा था, ये सेम वही मेथड है, लेकिन लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर पास किए थे वो थे क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट के, और इसके अंदर जो पैरामीटर पास करेंगे वो रहेंगे डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट के, राइट।
उसी के साथ साथ जैसा मैंने ये भी यहाँ पे बोला था कि जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे आएंगे वो एग्जीक्यूट मेथड को पास होंगे, तो पास कैसे होंगे, उसको पास करने के लिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर अकाउंट पास करे तो अकाउंट भेज सकते हो, कॉन्टेक्ट पास करे तो कॉन्टेक्ट भेज सकते हो, व्हाटएवर। उसके बाद आपकी जो थर्ड मेथड आएगी, जो आपकी थर्ड मेथड रहेगी दैट इज पब्लिक वॉइड फिनिश मेथड, तो आपके पोस्ट कमिट लॉजिक के लिए यूज्ड होगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप एक वेरिएबल दे दो पीएक्सी। अब देखो एरर गए क्या, नहीं गए, क्या एरर नहीं गया मैं बताता हूँ आपको अभी। सबसे पहले तो ये लाइन नंबर टू का मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट क्यों, देखो ये जो पहला वाला है ये क्या करता है, क्वेरी करता है, और क्वेरी करने के बाद डेटा को रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है एग्जीक्यूट मेथड को, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट होना जरूरी है, मैं अभी के लिए कुछ रिटर्न नल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एरर जाए इसलिए। ओके कर दिया ना। अब बोल रहा है लाइन नंबर फाइव में एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉमा। ओके तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल नेम नहीं दिया था, इसकी वजह से एरर है, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है, ठीक है, अब कोई एरर नहीं। अब देखो क्या होता है कि इसकी लिमिट 50 मिलियन रिकॉर्ड्स तक को प्रोसेस करने की होती है, 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर और एक होता है इटरेटर। अब इटरेटर क्या करता है, 50,000 टू 50 मिलियन सॉरी 5 मिलियन या 50 मिलियन, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर आप चेक कर लेना, ठीक है, उतने रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करता है। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड्स हमको प्रोसेस करने हैं तो हम लोग बाय यूजिंग डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर से ही प्रोसेस करते हैं, ठीक है, अगर आपको 50 मिलियन तक रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना है तो। ओके अब ये क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे उसको क्वेरी करना है। अब क्वेरी कैसे करेंगे, क्वेरी करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे क्वेरी लिख सकते हो, रिटर्न डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर। अब देखो ये डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर के अंदर आप या तो डायरेक्ट लिस्ट ऑफ क्वेरी पास कर सकते हो, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, या फिर एक क्वेरी पास कर सकते हो, ठीक है, हम लोग क्वेरी पास करेंगे। अब क्वेरी में आपको क्वेरी लिखना है, ठीक है, क्वेरी में आपको क्वेरी लिखना है, क्वेरी क्या होगा, जो भी क्वेरी रहेगी आपकी, जैसे सिलेक्ट आईडी फ्रॉम होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, तो टोटल 3004 रिकॉर्ड से लेके आ रहे, राइट, तो और दो चार फील्ड्स लेके आएंगे हम लोग, इसमें इसकी फील्ड्स में जाएंगे, होटेल नेम, होटेल नेम के बाद और एक खाद ले लेते हैं, होटेल ओनर ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेंगे वेबसाइट है क्या, वेबसाइट पे, ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट भी ले लेते हैं। ओके तो मेरे पूरे टोटल 3004 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो कर रहा है, तो चलो अभी ये मेरी क्वेरी भी वर्क कर रही है, तो ये क्वेरी को मैं उठा के सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप दूसरा चीज क्या कर सकते हो, ये क्वेरी को पहले रन करो और रिटर्न डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर के अंदर उस क्वेरी उसका जो रिजल्ट रहेगा लिस्ट वाला वो पास कर दो, जो यहाँ पे अभी मेथड दिखी थी ना अपने को डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर, ये दिख रही है लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट एंड क्वेरी। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले ये क्वेरी रन करो, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एक लिस्ट में डालो और उस लिस्ट को यहाँ पे पास कर दो, ठीक है, सेम ही होगा, मैंने बस एक लाइन में किया, आपको दो लाइन लगी, ठीक है। उसके बाद अब ये जो रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ से जो रिटर्न कर रहा है तो आपको यहाँ से किसी मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं होती,
ऑटोमेटिकली स्टार्ट मेथड होने के बाद जब ये पूरा डेटा लेके आता है तब वो सारा का सारा यहाँ पे पास होता है, राइट। तो अभी यहाँ से जो डेटा पास हो रहा है वो होटल टाइप का है, तो हम लोग यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में लिखेंगे होटल, ठीक है। अब ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली पास होगा स्कोप के थ्रू। जब वो स्कोप के थ्रू आएगा तब हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखो सिस्टम डीबग डाल देते यहाँ पे, सिस्टम डॉट डीबग स्कोप इज करंट स्कोप इज, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे साइज, तो हम लोग यहाँ पे स्कोप में साइज प्रिंट करते चलेंगे, ठीक है, जो भी साइज रहेगा वो, ओके। और इसी के साथ बस इसको इतना ही रन करेंगे, एरर, एक एरर चला गया, सेमी कॉलन एक्स्ट्रा लाइन नंबर 3, ओके, यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा है, ओके। और फिनिश में अभी कुछ नहीं देता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग आई एम इन फिनिश मेथड, ठीक है। अभी देखो मैं कुछ अपडेट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ मैं क्वेरी से रिकॉर्ड लेके आ रहा हूँ, मेरे को स्कोप चेक करना है बस, ठीक है। नाउ अब इसको रन कैसे करेंगे, तो देखो जैसे फ्यूचर को रन करने का तरीका अलग, क्यूएबल को अलग, उसी तरीके से बैच एपेक्स को रन करने का तरीका भी अलग होता है, ठीक है। अब अगर बैच एपेक्स को आपको रन करना है, बैच एपेक्स को अगर आपको रन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीबग में जाएंगे, यहां से आप लिखोगे डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, ठीक है। अब देखो एग्जीक्यूट डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच जब आप लिखते हो तब आपको ये कुछ इस फॉर्मेट में दे रहा है, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, देखो दो चीजें दे रहे हैं, एक में आपको सिंपल ऑब्जेक्ट पास करना है, ऑब्जेक्ट मतलब इसका इंस्टेंस पास करना है, और दूसरे में बोल रहे हैं इंस्टेंस प्लस बैच का साइज। जैसे मैंने बोला था 200, एक बैच का साइज क्या होता है, डिफॉल्ट साइज 200, ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है 2000, ओके। तो आप वो अपने हिसाब से, कि अगर बहुत सारा रिकॉर्ड है तो 200 200 में तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक साइड का गेट ओपन कर दे, ज्यादा लोग नहीं है तो हम लोग एक साइड का गेट ओपन करके एक साइड से लोग को जाने देते, लेकिन जब बहुत सारे लोग हो जाते तो बड़ा गेट ओपन करते ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जा सके और टाइम फटाफट मतलब टाइम कम लगे, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप बैच का साइज दे सकते हो। तो अभी मेरे पास ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है, 4000 रिकॉर्ड है, ठीक है, सॉरी 3000 रिकॉर्ड है, मैं इससे भी कर सकता हूँ नॉर्मली, ठीक है। तो ये बैचेबल में क्या आएगा, न्यू न्यू बैच एपेक्स डेमो, ये क्लास का इंस्टेंस बना के पास करो या ऐसे पास करो चलेगा। अब भी आप यहाँ से बैच साइज दे दो, अगर आप यहाँ पे कुछ बैच साइज नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट 200 लेगा, और अगर देना है तो दे सकते, ठीक है। तो चलो मैं अभी कुछ देता नहीं हूँ, ओके। अब जिस तरीके से क्यूएबल भी एक जॉब आईडी रिटर्न करता है, उसी तरीके से बैच एपेक्स भी आपको जॉब आईडी रिटर्न करता है। तो आईडी जॉब आईडी यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल्स टू, और फिर जॉब आईडी को प्रिंट भी कर देंगे, जॉब आईडी, ठीक है। अब इसको प्रिंट भी करेंगे, तो इसको करते एग्जीक्यूट करते एरर दिया, ओके, अच्छा ये वेरिएबल का एरर है, एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता, पहले ये जाता है क्यू में, क्यू में एपेक्स फ्लेक्स क्यू में जाता है, वहां पे 100 जॉब्स एट ए टाइम क्यू होते हैं, ठीक है। अगर उससे ज्यादा रहे तो फिर ये क्यू में नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक इसका जो स्टेटस है वो रहेगा होल्डिंग। तो अभी देखो ये बैच एपेक्स ये क्या है सक्सेस हो गया, लेकिन इसके पहले यहाँ पे देखो सीरियल बैच एपेक्स रेंज चंक, ये चंक मतलब होती है बैचेस, ठीक है। तो टोटल हमारे 3000 रिकॉर्ड है, एक बार क्या करेंगे इसको पूरा का पूरा क्लियर करके फिर से रन करता हूँ मैं, ठीक है। हमने क्लॉक्स क्लियर नहीं किए थे पहले, तो एक बार क्लियर कर लेंगे फिर रन करेंगे। ओके, अभी क्या करेंगे, ये क्लियर नहीं हो रहा है तो
अच्छा, इसको क्लियर करने का दूसरा भी तरीका है एक्चुअली, एक क्वेरी रन करके भी एक क्लियर हो जाता है, ठीक है। बट ठीक है, छोड़ो अभी के लिए इसको। सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लियर करने के बाद देखो, आई एम इन फिनिश मेथड आ गया, राइट। उसके बाद इसको डिबग करेंगे। करंट स्कोप इज 4, राइट। कितनी है यहाँ पे टोटल? 3000 रिकॉर्ड से 3000 रिकॉर्ड को 200 200 के इसमें लिया होगा उसने तो। ठीक है, तो अभी बाय यूजिंग दिस क्वेरी मैंने क्या कर दिया, ये सारे लॉक्स को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। रिफ्रेश करने के बाद फिर से ओपन कर लेता हूँ एचअपएक्स डेमो। ठीक है, यहाँ से जाएंगे लॉग्स में। लॉग्स मेरे सारे क्लियर हो चुके हैं। अब एक बार मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी एक डीबग डाल देता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग। आई एम इन स्टार्ट मेथड। ठीक है, एक एक लॉग ओपन करके फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी प्रोसेस कब हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे स्कोप का साइज भी दे रहा है, तो चलो अब इसको करते हैं सेव ना। अब मैं इसको करता हूँ रन। अभी मेरे पास कोई लॉग्स नहीं है यहाँ पे। इसको रन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, राइट। इसके अंदर मैं दे दूंगा न्यू और आपके बैच क्लास का नाम, ठीक है, दे दिया। अब करते हैं इसको एग्जीक्यूट। लेकिन एग्जीक्यूट जब करेगा तो अब लाइक क्यूएबल ये भी आपको क्या देता है, एक जॉब का आईडी देता है, राइट। तो जॉब का आईडी जो देगा उसको भी हम लोग प्रिंट कर लेंगे, सिस्टम डॉट डीबग। हर चीज को मैं डीबग इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। जॉब आईडी इज, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे जॉब आईडी। इसको कहाँ देखना है, कैसे देखना है, हर चीज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसको करते हैं, देखो अभी एक भी लॉग नहीं है। एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं इसको। एग्जीक्यूट कर देने के बाद देखते हैं सबसे पहले कितने लॉग जनरेट होते हैं। अभी फिलहाल एक ही लॉग जनरेट हुआ है और अभी देखो बाकी के हो गए सारे के सारे। चलो तो अभी इसको सबसे नीचे से स्टार्ट कर दी, ये अनरीड वाला छोड़ दो, ठीक है, ये पहला छोड़ दो, बाकी के देखते हैं। तो ये पहला, इसको ओपन करता हूँ, डिबग करेंगे। कितना साइज आया यहाँ पे? 200। मतलब इसने क्वेरी ने क्या किया, टोटल 3000 रिकॉर्ड्स को क्वेरी किया। अब 3000 रिकॉर्ड्स को क्वेरी किया तो 3000 डिवाइडेड बाय आप कर दो 200, तो कितना आएगा? 5 15, राइट, 15 आएगा। और बचे हुए 4 रिकॉर्ड्स अलग से, उसके लिए भी फिर से बैच चलेगी, राइट। तो अभी उसने क्या किया, ये 200 रिकॉर्ड्स पास कर दिए, राइट। फिर उसने क्या किया, देखो एट ए टाइम ये क्वेरी तो पूरे 3004 रिकॉर्ड लेके, ठीक है, टोटल 3004 रिकॉर्ड थे अपने वो पूरे लेके। बट जब वो यहाँ पे जा रहा है ना करंट स्कोप में, तो पहले 200 भेज रहा है, फिर 200 के ऊपर जो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट करना होगा वो करेगा, फिर बाकी के 200, फिर बाकी के 200, फिर बाकी के 200। तो अभी देखो ये एक हो गया। अभी मैं सेकंड को ओपन कर रहा हूँ, अब देखो अब फिर से 200। अभी थर्ड देखते हैं, फिर से 200। अभी फोर्थ देखते हैं, फिर से 200, राइट। इसी तरीके से पूरे चेक करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। फिफ्थ में पूरे 200। एक सेकेंड, इसका डीबग कहाँ गया? अच्छा ये अनरीड वाला है क्या? अच्छा ये बैच अपेक्स वाला है, छोड़ो इसको। इधर जाएंगे इसको, आई एम इन स्टार्ट मेथड, फिर से स्टार्ट मेथड में गया, फिर से 200, फिर से 200, फिर से 200। मतलब वो हजार हजार रिकॉर्ड पास कर रहा है, ठीक है, पांच पांच बैच जॉब ही पास कर रहा है, राइट। मतलब पहले 3000 रिकॉर्ड में से उसने पांच जॉब को डिवाइड किया 200 200 के, पहले पांच भेज दिए, फिर स्टार्ट में गया, फिर हजार लेके आया, फिर पांच में डिवाइड किया, फिर भेज दिए, फिर बैच में गया, फिर हजार लेके आया, फिर पांच में डिवाइड किया उसको 200 200 की, फिर भेज दिए, ठीक है। तो टोटल 15 बैच ही चलेगी यहाँ पे,
यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200, दो सौ। ये समझना जरूरी है, ठीक है? इंटरव्यू में पूछते हैं इसलिए मैं आपको ऐसे रन करके दिखा रहा हूं। 200, उसके बाद यहाँ पे 200, यहाँ पे भी 200, तो सॉरी ये लास्ट वाले जो देखो 200 200 के निपट गए सारे, फिर जो बचे हुए थे चार उसके लिए भी अलग से बैच रन, क्योंकि एक बैच में 200 ही जा रहे थे, राइट? तो टोटल 15 और ये चार वाली टोटल 16, ऐसे टोटल 16 बैचेस रन हुई है, ठीक है? तो ये जो 16 बैचेस रन हुई है किसके लिए हुई? 3004 रिकॉर्ड्स के लिए। अगर इसी में मैं डिफॉल्ट साइज 2000 करके भेजता तो शायद इतना नहीं होता, ठीक है? चलो अभी डिफॉल्ट साइज 2000 करके भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। इसको करते हैं क्लियर, इधर जाएंगे, इसका डिफॉल्ट साइज मैं दे देता हूँ यहाँ पे कॉमा करके 2000, ठीक है? तो टोटल 3004 रिकॉर्ड है, राइट? तो मेरा मेरे ख्याल से दो बैच में काम हो जाएगा, तो इसको करेंगे अभी एग्जीक्यूट। कर दे एग्जीक्यूट। चलो अभी सबसे पहले ये तो एंड्रॉइड वाला, इसको छोड़ो, इसको पकड़ेंगे, कुछ नहीं आया, आई एम इन स्टार्ट मेथड होगा यहाँ पे, ठीक है? ओके, फिर यहाँ पे देखो करंट स्कोप इज 1004, मतलब देखो दो बैच चली ना, एक बैच चलेगी 2000 की और दूसरी बैच की लिमिट भी 2000 है, तो 2000 रिकॉर्ड तो उसके पास है ही नहीं। टोटल 3004 रिकॉर्ड में से 1004 रिकॉर्ड एक बैच में जाएंगे और 2000 रिकॉर्ड एक बैच में जाएंगे, ठीक है? तो ये जो बैच है 1004 रिकॉर्ड की चली, और ये जो दूसरी बैच है ये 2000 रिकॉर्ड की चली, राइट? तो इस तरीके से आपका बैच अपेक्स क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको अभी रन करके दिखाया, ठीक है? इंटरव्यू में पूछते हैं तो आपको सेम तरीके से प्रैक्टिस करना है, टाइम लगेगा चलेगा बट प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, ओके? अब देखो मेरे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमने बैच क्यों लिखी है? हमने बैच इसलिए लिखी है ताकि जो हमारे रिकॉर्ड्स है उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए, राइट? एग्जीक्यूट मतलब क्या, उसके थ्रू कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर पाए या डिलीट कर पाए। जैसे ये होटल है तो मुझे सबके चाइल्ड रिकॉर्ड बनाने, तो मैं वो कर सकता हूँ। अगर मुझे सेम होटल को ही अपडेट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मुझे सारे होटल्स को डिलीट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा, एक बार अपने नॉर्मल मेथड में जैसे हमको लिस्ट मिल जाती है, फिर हम उसको जिस तरीके से प्रोसेस करते हैं, हमने इसके पहले के बहुत सारे क्लासेस में उसको डिस्कस किया है, बस सेम चीज हमारे पास अभी यहाँ पे डेटा आ गया। अब डेटा के साथ कुछ भी करो, ठीक है? जैसे अभी ये लिस्ट ऑफ होटल में क्या आ गए, होटल के रिकॉर्ड्स आ गए, तो बस क्या करेंगे, इसको फॉर लूप के अंदर इसको आइट्रेट करेंगे। आइट्रेट करने के बाद इसके ऊपर आप चाहो तो अपडेट करो, इंसर्ट करो, डिलीट करो, कुछ भी करो। एक लिस्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए, लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी अपडेट होटल लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ठीक है? अब क्या करेंगे, इफ चेक करता हूँ कि जिस होटल का वेबसाइट इक्वल्स टू नल होगा, मतलब ब्लैंक होगा, उसमें वेबसाइट हम लोग इंसर्ट कर देंगे, ठीक है? सबके सब में नहीं करेंगे, जिसमें वेबसाइट नहीं होगा उसी में। तो अभी मैंने ये 3000 रिकॉर्ड बने, किसी में भी वेबसाइट नहीं है, किसी में भी वेबसाइट नहीं है, देख लो। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सिलेक्ट आईडी फ्रॉम होटल अंडर अंडरस्कोर सी, यहाँ पे वेबसाइट, मतलब जो पुराने रिकॉर्ड थे उसमें रहेगा बट जो अभी बनाया मैंने 3000 उसमें तो नहीं, ठीक है? ये देखो मोस्ट ऑफ में ब्लैंक है। तो अभी इसमें करेंगे अपडेट। तो अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम चेक करेंगे सबसे पहले ब्लैंक है क्या, इफ होटल वेबसाइट इक्वल इक्वल्स टू ब्लैंक, ऐसे चेक कर लेंगे नॉर्मली। अगर है तो क्या करेंगे, होटल वेबसाइट डायरेक्ट नहीं आएगा, एच डॉट होटल वेबसाइट, ठीक है? तो
तो इसी को हम लोग कर देंगे एच डॉट होटेल वेबसाइट इक्वल्स टू www. ठीक है, ऐसे अब इसको लिस्ट में ऐड करके इसको लिस्ट में ऐड कर देंगे और लिस्ट को कर देंगे अपडेट। ठीक है, लिस्ट को अपडेट करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा ऐसे, अपडेट अपडेट होटल की लिस्ट। ओके, तो अब क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे सबको वो करेगा अपडेट, और अपडेट करने के बाद क्या करेगा, हम उधर जाके उसका रिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। अभी यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, एरर चेक कर लेंगे क्या है। वेरिएबल डज नॉट एक्सिस्ट एच लिस्ट। ओके, अब देखो ये एच लिस्ट हमने ले तो लिया, लेकिन कहाँ से लिया, डेटा तो इधर स्कोप में आ रहा है, राइट, तो ये स्कोप को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब चला गया एरर। अब अगर मैं अपडेट कर दूंगा ना तो मेरा अपडेट हो जाएगा, और उसके बाद मेरा जो भी पोस्ट कमिट लॉजिक में यहाँ पे लिखूंगा, जैसे ईमेल सेंड कर देना या कुछ भी, तो वो भी मैं भेज सकता हूँ। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, पहले तो मैं इसको रन कर देता हूँ, ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस से इसको मैं भी कर देता हूँ रन। अब मैंने 2000 की बैच रन करके दिखा दी आपको, 200 की भी दिखा दी, ठीक है, इसके बीच का भी आप कोई नंबर ले सकते हो। तो अभी ठीक है, 2000 की बैच रन करेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ से करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट से क्या करेगा, अभी वो पहले बैच में 2000 रिकॉर्ड लेके आएगा, दूसरे बैच में बचे हुए 1004 रिकॉर्ड लेके आएगा, राइट। अब 1004 और 2000, अब उनमें से चेक करेगा कि किस रिकॉर्ड के अंदर वेबसाइट नल है, जिसके अंदर नल है उसी को अपडेट करेगा, राइट। तो चलो उधर बैक करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब हम लोग एक एक रिकॉर्ड के अंदर जाने से बेटर क्या कर लेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा इसके ऑब्जेक्ट पेज में जाके टैब में उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे, तो फटाफट एक ही जगह पे हमको सारी चीजें दिख जाएंगी, हर रिकॉर्ड को जाके चेक करने से बेटर। तो यहाँ पे आएंगे होटल का वेबसाइट ऐड, ठीक है, सेव कर दिया। चलो अभी यहाँ पे होटल में अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, अब देखो अपडेट क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बैच चल रही है। देखो अपडेट फेल्ड, फर्स्ट एक्सेप्शन आया कहीं पे, ठीक है, कहीं पे तो भी अपडेट फेल्ड हुआ है। चलो देखते हैं कहाँ पे अपडेट फेल हुआ है, अगर ट्राई कैच लगा देते तो हमको एक्सेप्शन वहीं पे पकड़ में आ जाता था। अपडेट फेल्ड, करंट स्कोप 2000, इस रीजन से हुआ है, फर्स्ट एक्सेप्शन ऑन रो जीरो। फील्ड कस्टम वैलिडेशन, देखो किसी तो भी फील्ड में जो कस्टम वैलिडेशन है, क्योंकि जब भी आप फील्ड को एडिट करते हो, क्योंकि यहाँ पे अपडेट कर रहे हो मतलब एडिट कर रहे हो, तो अगर एडिट करते हो तो कस्टम वैलिडेशन का के थ्रू ही वो जाता है, ठीक है। तो अभी इसको ओपन करेंगे, चेक करेंगे क्या कस्टम वैलिडेशन है, किसी तो भी फील्ड का कस्टम वैलिडेशन लगा दे। एक काम करते हैं, तब तक के लिए मैं सीधा ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ क्या कोई वैलिडेशन लगा है। वैलिडेशन रूल में जाएंगे, हाँ दो वैलिडेशन, एक है कॉन्टैक्ट डिटेल शुड नॉट बी ब्लैंक, और एक है होटल टाइप एस 3 स्टार, तो ये एक्टिव है तो यही लगा होगा। तो एक काम कर देता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कर देता हूँ डीएक्टिवेट, ठीक है, क्योंकि अभी जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नहीं होगा, तो उसकी वजह से उसने एरर दिया होगा, ठीक है। चलो अभी इसको एक बार फिर से रन करेंगे, सारे लॉक्स को क्लियर कर देता हूँ, ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो एंड करेंगे एग्जीक्यूट, ठीक है, सक्सेस सक्सेस दिख रहा है अभी। ओके, अभी कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो चलो अभी इधर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करो, होने का है, वेट पूरा होने दो, टाइम लेता है उसको, जब तक रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होगे, ऐसे एकदम सडन रन नहीं होता, क्योंकि मल्टीपल जॉब्स होते हैं, मल्टीपल जॉब्स की वजह से टाइम लेता है अपडेट करने को, ठीक है। तो एकदम सडन रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करेंगे। एक चेक लगा देते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो, कि इफ में गया कि नहीं गया, ठीक है, सिस्टम डॉट डीबग
इफ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इक्वल्स टू नल, शायद वो इफ में ही नहीं गया इसलिए वो रन नहीं हो, ठीक है। तो चलो और यहाँ पे एल्स लिख देता हूँ, एक एल्स में लिख देंगे सिस्टम डॉट डीबग इन एल्स, ठीक है। अब इसको एक बार सेव होने के बाद फिर से रन करेंगे, तब तक के लिए मैं बाकी के सारे डीबग्स को कर दूंगा क्लियर, ठीक है। इसको सेव होने दो, ठीक है, अभी ये सेव हो गया। अब इसको एक बार फिर से रन करेंगे, एग्जीक्यूट, ओके। दो चीजें आ गई यहाँ पे, इसे भी इसको ओपन कर लेंगे। हमको सिर्फ चेक करना है इफ के अंदर गया के, देखो आई एम इन एल्स के अंदर जा रहा है वो, ठीक है। एल्स के अंदर जाने की वजह से वो अपडेट नहीं हुआ, ओके। तो चलो होटल वेबसाइट नॉट इक्वल्स टू नल, हमने यहाँ पे कंडीशन गलत चेक की, यहाँ पे चाहिए था इक्वल इक्वल्स टू नल, ठीक है, क्योंकि ये नल है ना, नल है तभी तो अपडेट करना है, राइट। तो इसलिए वो एल्स के अंदर, तो अभी अभी अपडेट करेगा कि अगर होटल की वेबसाइट इक्वल इक्वल्स टू नल है तो ही वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। तो चलो इसको सेव करने दो, डीबग्स को क्लियर कर देंगे, ओके। अभी इसको जाके रन करते हैं, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अभी एग्जीक्यूट हो गया, डीबग ओनली में जाएंगे, इसका जॉब आईडी मिल गया। जॉब आईडी मिलने के बाद कोई भी एक इसका लॉग ओपन कर लेंगे, कोई भी एक चलेगा। देखो आई मीन इफ आ गया, अभी अभी चलते हैं इधर होटल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यही से देखेंगे। देखो सब में वेबसाइट हमारा हो गया अपडेट, हो गया सब में वेबसाइट अपडेट। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो बल्क में अपडेट था वो हमारा हो गया अभी पॉसिबल। अब आप बोलोगे कि ये जो चीज है आप किसी के भी थ्रू कर सकते हो, यस कर सकते हो, लेकिन लिमिट्स, लिमिट्स का इश्यू होता है। जो आपको लिमिट असिंक्रोनस में मिलती है वो सिंक्रोनस में नहीं मिलती है, राइट। यहाँ पे आपको 50 मिलियंस तक रिकॉर्ड को अपडेट करने की लिमिट है जो बाकी इसमें नहीं रहेगी, ओके। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपका डेटा है वो बैचेस में जाता है। अगर एक बैच का डेटा गया, सपोज मतलब 200 रिकॉर्ड्स गए, रन हो गए, सेव हो गए, उसके बाद जो उसके पीछे वाली जो बैच जा रही है अगर वो फेल हो गई तो जो बैच जा चुकी है वो रोल बैक नहीं होती, ठीक है। तो वो एक चीज, इसमें लिमिट्स का हायर गवर्नर लिमिट मिलती है हमको। दूसरी चीज, आप इसको स्केड्यूल करवा सकते हो। स्केड्यूल कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए अलग से टॉपिक है स्केड्यूलिंग का। अब देखो ये तो हो गया कि हमने किस तरीके से बैच क्लास को स्टार्ट किया, एग्जीक्यूट किया, लेकिन अभी फिनिश। अब फिनिश के लिए आपको पोस्ट कमिट लॉजिक, अब इसमें मेलिंग का लॉजिक होता है, मोस्टली मेलिंग का लॉजिक लिखते हैं। तो आपको मेलिंग का लॉजिक कहीं पे भी गूगल पे मिल जाएगा, आप कहीं से भी उठा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम भी यहाँ पे एक मेल का लॉजिक लिख लेंगे इसलिए, ताकि आपका मेल का लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा और इंटरव्यू में पूछते भी है मेल का लॉजिक, ठीक है। तो जब भी मेल का लॉजिक अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे आपको लिखना है मैसेजिंग डॉट सिंगल ईमेल मैसेज, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट, ठीक है, मैसेजिंग डॉट सिंगल ईमेल मैसेज। मतलब ये क्या हो गया, पूरा क्लास, क्लास नेम यहाँ पे लिखता हूँ ईएम या ईमेल लिख दो, ठीक है, या माय ईमेल लिख दो, ठीक है, माय ईमेल इक्वल्स टू न्यू मैसेजिंग डॉट सिंगल ईमेल मैसेज। तो ये हो गया इसका क्लास इनिशियलाइज, ठीक है। अब क्लास इनिशियलाइज होने के बाद देखो ईमेल में क्या क्या चीजें मैंडेटरी होती है, जिसको मेल भेजना है उसका नाम, अगर उसके साथ आपको किसी को सीसी में रखना है उसका नाम, ठीक है, उसका नाम मतलब उसका ईमेल एड्रेस, राइट।
अगर आपको किसी को रिप्लाई करना है उसका, अगर आपको जो भी बॉडी सेट करनी है वो बॉडी, तो आपको ये सारी चीजें प्रोसेस में लानी पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, मैं आपको दिखाता हूँ। my email dot सेट टू एड्रेसेस। अब ये सेट टू एड्रेसेस क्या है, किसको ईमेल भेजना है उसका ईमेल आईडी, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे जिसको जिसको ईमेल भेजना है उसका ईमेल आईडी में एक लिस्ट में ले सकता हूँ, अगर एक से ज्यादा है तो। अगर सिंगल है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नाम भी लिख सकता हूँ उसका, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने ईमेल आईडी ले लिया, इसका नाम रहेगा मेल टू, ठीक है, मेल टू लिस्ट। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ ईमेल आईडी पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक ईमेल आईडी रहेगा .com, ठीक है। उसके बाद मैं मेरा दूसरा ही ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। अब दो ईमेल आईडी को मेरे को मेल भेजना है। इसी के साथ साथ अगर मुझे किसी को सीसी में मेल भेजना है, ठीक है, सबसे पहले तो जिसको मुझे मेल भेजना है उसका भी मैं यहाँ पे ऐसे पास कर दूंगा, ओके। तो इस मेल टू लिस्ट के अंदर ये दो वैल्यूज आ गई, अब वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दी, ठीक है। अब क्या एरर बोल रहा है वो देखेंगे, ओके, चला गया एरर, नो वरीज। अब अगर मुझे किसी को सीसी में ईमेल भेजना है तो सेम वे एक लिस्ट बना, उस सीसी को यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। सेट सीसी एड्रेसेस, राइट। सीसी सबको पता है, जब भी हम किसी को मेल भेजते हैं उसी के साथ साथ अगर उसके मतलब किसी और को भी अगर हमको भेजना है, ठीक है, तो हम सीसी में उसको ऐड करते, ठीक है। तो ये भी मैं यहाँ पे कर दूंगा, सीसी मेल टू लिस्ट, ठीक है, सीसी मेल टू लिस्ट। अब सीसी मेल में मैं किसी का भी मेल आईडी दे सकता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सीसी में ये वाला मेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। ज्यादा मेल आईडी तो है नहीं अपने पास, आप में से किसी का डाल दूंगा लेकिन मेल आईडी, लेकिन फिर यहाँ पे वीडियो में दिखेगा नहीं, ठीक है। तो सीसी में यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ओके। नाउ अब देखो हमारे पास मेल का भी एड्रेस है और सीसी का भी है। अब सिर्फ इतना भेजने से होगा क्या, नहीं, आपको अगर कोई बॉडी भेजनी है, क्योंकि आपके हर ईमेल में कुछ ना कुछ बॉडी रहेगी, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट रहेगा, तो अभी बाकी का भी काम हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। जैसे सब्जेक्ट अगर भेजना है आपको तो सेट सब्जेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे अंदर में सिंपल मैसेज दे, आपकी हर मेल का एक सब्जेक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, बैच प्रोसेसिंग ईमेल, ठीक है, ये है मेरे मेल का सब्जेक्ट, बैच प्रोसेसिंग ईमेल। अब इसके अंदर अगर आपको कोई ये भी देना है बॉडी, हर ईमेल का बॉडी भी होता है, राइट। तो यहाँ पे रहेगा सेट बॉडी का, बॉडी का मेथड है, देखो HTML बॉडी भी आप यहाँ से पास कर सकते हो, राइट। HTML का कोड भी यहाँ से पास होता है, ये देखो प्लेन टेक्स्ट बॉडी, मैं क्योंकि मेरा प्लेन टेक्स्ट है इसलिए मैं प्लेन टेक्स्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे लिखूंगा योर रिकॉर्ड्स हैज बीन अपडेटेड, योर रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड। उसके बाद अभी मेल में मैंने सब कुछ लिख दिया, जिसको भेजना है उसको सीसी लिख दिया, सब्जेक्ट भी डाल दिया और बॉडी जो मेरा मेन मेल का पर्पस था वो भी। अब मेल की बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट। तो मेल की बटन पे क्लिक करना मतलब सेंड वाली बटन पे क्लिक करना, तो वो कैसे करेंगे, मैसेजिंग डॉट, स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट लिख लेना, ठीक है, क्योंकि आपको इंटर में डायरेक्टली लिखने को बोलेंगे, सेंड ईमेल, ठीक है। अब सेंड ईमेल किसको करना है, जिसको भी भेजना है आप, तो इसको कैसे भेजोगे, न्यू मैसेजिंग डॉट सिंगल ईमेल मैसेज, ये क्या है, ये यही वाली चीज है, देखो ये वाला, राइट, ये हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे इस लिस्ट का साइन एंड देन
जो भी आपका इंस्टेंस आप पास कर रहे हो, जैसे ये माई मेल है तो इसको यहाँ से पास कर देंगे। रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है हर काम को, ठीक है। सिर्फ इंटरव्यू देने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको समझ के करना है। अब देखो मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरा मेल गया कि नहीं है, ठीक है। ओके नाउ SMD Suresh 19। ओके चलो अभी क्या करेंगे, एक बार फिर से रिकॉर्ड्स को अपडेट करूंगा। पर देखो अभी रिकॉर्ड्स मेरे अपडेट होंगे क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा वेबसाइट था इक्वल इक्वल्स टू नल था, वहां पे उसने चेंज कर दिया, राइट। अब मेरे को क्या करना है, इसको फिर से ब्लैंक कर दूंगा, इससे, या फिर एक काम करते, इस फील्ड को ना करते हुए मैं क्या करूंगा, किसी दूसरी फील्ड को अभी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इफ एच डॉट कॉन्टैक्ट डिटेल्स इक्वल्स टू, सब में एक ही नंबर अपडेट कर दूंगा, 8989899, ठीक है। और ये कंडीशन मुझे हटा देनी पड़ेगी कि अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इक्वल इक्वल्स टू नल है तो ये आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नल है क्या, ये भी चेक कर लेंगे। सीधा सीधा ऑब्जेक्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ से इसका टैब व्यू ओपन कर लेंगे, यहाँ पे ही चेक कर लेंगे, ठीक है। एक एक रिकॉर्ड ओपन करने से बेटर, सीधा यहाँ पे जाएंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करो, देखो ये सबके अंदर ऑलरेडी है। इतने इतने कैसे आप, एक सेकंड चेक करने दो। मैंने होटल इंसर्ट करने के लिए जो कोड रन किया था ना, उसके अंदर सेम नंबर था, राइट, उसकी वजह से वो इशू हुआ, ठीक है। मैं नंबर चेंज कर देता हूँ। अब अगर होटल डिटेल्स नॉट इक्वल टू नल है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, सब में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो नॉट इक्वल टू नल रहेगा, तो मैं सबका नंबर अपडेट कर देता हूँ, 9999999, ठीक है। ओके अब जितने भी इसमें ये नंबर है सब में 99 चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद मेल चला जाएगा। ओके अब ये मेल जाने के बाद एक और डीबग दे देंगे यहाँ पे, सिस्टम डॉट डीबग मेल सेंट। तो आपका देखो इसमें मेल का लॉजिक भी आपका हो गया। चलो अब करते हैं इसको रन। अब रन करने के लिए सेम प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे। बैच अपेक्स एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, अभी भी ये पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ, इसमें भी और बहुत सीखने लायक चीजें। डिबग करेंगे, देखो जॉब आईडी मिल गया। अब चलो इधर इधर जाने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, अपडेट नहीं हुआ, वेट, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, नंबर आ गया यहाँ पे, एच डॉट कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपडेट किया, आई मीन इफ गया क्या वो, अच्छा सेंड ईमेल हो गया हमारा फेल, इसकी वजह से वो पूरा प्रोसेस नहीं हुआ। चलो एरर देखते, तो यहाँ पे एक एरर आया हमको। एरर क्या बोल रहा है, एस ऑब्जेक्ट ट्रू वाज रिट्रीव्ड बाय सॉकल विदाउट क्वेरिंग द रिकॉर्ड, ये देखो, और स्टोरेज लिमिट भी एक्सीड हो गई है, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या किया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वाली फील्ड को क्वेरी नहीं किया और हम डायरेक्ट उसको अपडेट कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स वाली को हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, राइट, एच डॉट कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ठीक है, उसी के साथ साथ अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक दो, ओके चल, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टोरेज लिमिट एक्सीडेड, एक एरर तो हमारा निकल जाएगा। लाइन नंबर 36 पे स्टोरेज लिमिट का इश्यू आ रहा है, लाइन नंबर 36 का पे, लाइन नंबर 36 ये वाली, ओके माय ईमेल स्टोरेज लिमिट क्यों हिट हो गई, चलो रन करके देखते हैं। अभी इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, अभी देखते क्या एरर आता है।
वो सॉकल वाला तो चला जाएगा। डेवलपर एडिशन सक्सेस, ठीक है, ऐसे क्यों दिखा रहा है? सबको क्वेरी में एक बार फिर से सिलेक्ट आईडी फ्रॉम एपेक्स लॉक, तो अभी इसको पहले क्वेरी मैंने रन कर ली, सबको डिलीट कर देता हूँ, लॉक्स को डिलीट। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड्स को मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, तो ये हो गया डिलीट, हमको एरर निकालना है सबसे पहले, तो इसको करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार फिर से रन करके देखते हैं क्या इश्यू आ रहा है। यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्वेरी कर लिया, इफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स नॉट इक्वल टू नल होगा तो ओके, यहाँ पे कंडीशन शायद उसको नहीं मिली, नॉट इक्वल टू नल होगा तो आई मीन इफ, और इसको अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद else में जाएंगे, ये अपडेट कर देगा, फिर इधर आएगा, इधर आने के बाद ये इसकी लिमिट हिट हो रही है बोल रहा है। ठीक है, चलो एक बार रन करते हैं। अरे शिट, एक सेकंड, बैच एपेक्स डेमो, डेटाबेस डॉट एक्सिक्यूट बैच, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे न्यू बैच एपेक्स डेमो, साइज दे देंगे 1000। ठीक है, बाकी कुछ आपको सबको पता है जॉब आईडी कैसे रिटर्न करता है, तो यहाँ पे आईडी, जॉब आईडी इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट डीबग जॉब आईडी, ठीक है, ये लास्ट वाले इंसर्ट फील्ड वाले ये छोड़ दो, ये दूसरा लॉग है। ठीक है, ये दूसरा लॉग है, अब यहाँ पे सक्सेस आ रहा है, इसको थोड़ा सा रुक जाएंगे 2 मिनट, पूरा रन होने दो। ठीक है, सब में सक्सेस हो रहा है, ओके। देखो सेंड ईमेल में ही हमको एक्सेप्शन आ रहा है, ईमेल भेजने के समय हमको एक्सेप्शन आ रहा है, यहाँ पे स्टोरेज लिमिट का एक्सेप्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन क्यों दिखा रहा है, उसका हमको कुछ डिबग करना पड़ेगा। आई मीन फिनिश मेथड तो है, बट ये स्टोरेज लिमिट, क्योंकि एपेक्स लिमिट इसकी हिट होती है अगर मेल भेजे तो, बट इतनी जल्दी नहीं होती है, इसका रीजन पता करना पड़ेगा। वेट, ओके, तो हमें जो मेल का एरर आ रहा था राइट, अब वो था हमारी जो डेवलपर एडिशन ऑर्ग है उसकी वजह से हमारा लिमिट हिट हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जो लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा था राइट, वही लॉजिक में एज इट इज दूसरे दूसरा क्लास बना के दूसरी ऑर्ग के अंदर रन करके आपको दिखा रहा हूं, बिकॉज हमारा इस ऑर्ग का लिमिट अभी हिट हो गया, तो ये अगले दिन अभी रिफ्रेश होगा। ठीक है, आज का लिमिट इसका हिट हो गया, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये एज इट इज लॉजिक जो है ये मैं अपने दूसरे क्लास में लिख रहा हूँ, दूसरी ऑर्ग के अंदर, आपको सिर्फ रन करवा के दिखा रहा हूँ कि ये लॉजिक रन होता है कि नहीं होता है, मेल सेंड होता है कि नहीं होता है। ठीक है,
तो ये इश्यू कंपनी ऑर्ग में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे लिमिट ज़्यादा होती है, ये डेवलपर एडिशन की फ्री ऑर्ग है, तो यहाँ पे लिमिट कम होती है। ठीक है, तो बस ये एज इट इज़ लॉजिक में जो फिनिश के अंदर से रन हो रहा था, इसको मैंने क्या किया, मेरे दूसरी ऑर्ग के अंदर डेवलपर कंसोल में एक क्लास बना लिया, ठीक है, मेल लॉजिक नाम से। इस लॉजिक के अंदर मैंने एक सेंड ईमेल अलर्ट्स नाम की मेथड बना ली, और एज इट इज वही लॉजिक को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, सेम लॉजिक है, देखो, एक मेल की लिस्ट बना ली, एक सीसी ईमेल की लिस्ट बना ली, ठीक है, और उसके बाद ये लॉजिक एज इट इज। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन, आपको सेम लॉजिक उधर फिनिश में लिखना है, दैट्स इट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आप एडिशनल कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने के पहले, अच्छा ठीक है, कर देते एग्जीक्यूट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट ओपन लॉग एग्जीक्यूट। ठीक है, देखो यहाँ पे सक्सेस हो गया, अनरीड में जाएंगे, डीबग पे क्लिक करो, मेल सेंड, सेंड हो गया मेल। अब मैं आपको मेल शो भी करता हूँ, ओके, ये देखो मुझे ये वाला मेल आया, योर रिकॉर्ड हैज बीन अपडेट, सॉरी ये लेटेस्ट वाला, योर रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड, ठीक है, 10 बजे वाला। अगर आप देखो तो यही मैंने नाम वहां पे लिखा है, योर रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड, ठीक है, और इसका जो सब्जेक्ट था बैच प्रोसेसिंग ईमेल, चेक करो ईमेल में वही आया क्या, बैच प्रोसेसिंग ईमेल सब्जेक्ट वही आया, राइट। अगर मैं अभी इसमें कुछ चेंज करके भी भेजना चाहूँ तो भी भेज सकता हूँ, जैसे बैच प्रोसेसिंग ईमेल अलर्ट ऐसा नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। नाउ सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको मैं फिर से एक बार रन करता हूँ, एग्जीक्यूट किया तो ये देखो सक्सेस हो गया, लेटेस्ट डीबग ओपन करेंगे, मेल सेंट हो गया, इधर जाएंगे इनबॉक्स में जाएंगे, ये देखो लेटेस्ट मेल आ गया, बैच प्रोसेसिंग ईमेल अलर्ट, तो इसी कोड से आपका ईमेल सेंड होगा। ओके, तो हमने आज की क्लास में देखा कि बैच अपेक्स क्या होता है, उसकी तीनों मेथड्स को समझा, हमने रिकॉर्ड्स को अपडेट करके देखा, आप चाहो तो रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और भी ये टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको एक्सप्लेन करनी बाकी है, ठीक है, जो हम देखेंगे अभी हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।